लोकनाथ करना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल में आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप जल्द से जल्द पा सके। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके दोस्त लोकनाथ और मैं अभी हूं उड़ीसा के एक सुंदर शहर रायगढ़ पर। इस वीडियो में मैं आपको रायगढ़ के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, रायगढ़ के बारे में जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। सो फ्रेंड्स, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये भुवनेश्वर से तकरीबन 378 किलोमीटर है और यहाँ पर आप दोनों बस और ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट विशाखापट्टनम है जो कि यहाँ से 250 किलोमीटर पर है। रायगढ़ भारत के दक्षिण उड़ीसा का एक जिला है जो कि 2 अक्टूबर 1992 में एक अलग जिला के तौर पर मान्यता हासिल किया। ये है फ्रेंड्स रायगढ़ का रेलवे स्टेशन। रायगढ़ रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, रायपुर, बेंगलोर, अहमदाबाद, मुंबई, जमशेदपुर, जोधपुर और नई दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों के लिए सीधी सेवा प्रदान करती है जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे का एक डिवीज़न भी है। यह माना जाता है कि रायगढ़ की स्थापना जयपुर के सूर्यवंशी महाराज विश्वनाथ देव गजपति ने 1527 से 1571 के बीच नागावली नदी के तट पर स्थापना किए थे। ब्रिटिश राज के दौरान रायगढ़ जयपुर सामंती राज के अधीन था और करापुट जिले का हिस्सा था। इसे 2 अक्टूबर 1992 को ओडिशा डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन प्लान के तहत बंटवारा किया गया था। रायगढ़ जिले का क्षेत्रफल लगभग 7584 स्क्वायर किलोमीटर है और इसको 11 ब्लॉक में विभाजित किया गया है। जिला का इकोनॉमी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करता है और धान, गेहूं, मूंगफली और मक्का जिले का प्रमुख फसलें हैं। ये है फ्रेंड्स रायगढ़ का स्ट्रीट वेजिटेबल मार्केट। यहाँ पर आप फ्रेश वेजिटेबल काफ़ी कम दाम में पा सकते हैं। इसके अलावा जिला में बॉक्साइट और सिलिकॉन काफ़ी परिमाण में भरपूर है जिस कारण उत्कल एल्युमिनियम इंटरनेशनल लिमिटेड और इम्फा जैसे वर्ल्ड क्लास कंपनी यहाँ पर खड़ा है। ये शहर आंध्र प्रदेश के नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा साउथ इंडियन का स्टाइल चलता है और यहाँ का फेमस ब्रेकफास्ट इडली, गाड़ी, सांभर, डोसा आदि यहाँ का लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ये है फ्रेंड्स होटल नीलाचल। यहाँ पर आपको साउथ इंडियन, चाइनीज और ओडिया रेसिपी काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको यहाँ से मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आप लंच, ब्रेकफास्ट और लॉजिंग की सुविधा हासिल कर सकते हो। ये है फ्रेंड्स रायगढ़ के रिंग रोड जो कि 5 से 7 किलोमीटर होगा। सुबह शाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है वॉकिंग और रनिंग के लिए। शाम को यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होता है रनिंग वॉकिंग के लिए क्योंकि शाम को थोड़ा यहाँ का नज़ारा अलग है। रायगढ़ जिले में 3 पुलिस डिवीजन के अंतर्गत 17 पुलिस स्टेशन है। 3 विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र है। ये जिला कोरापुट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अंतर्गत आता है। ये है फ्रेंड्स रायगढ़ का बस स्टैंड जो काफ़ी बड़ा है और यहाँ से हैदराबाद, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कटक को बस सेवा उपलब्ध होता है। ये है फ्रेंड्स रायगढ़ का मेन मार्केट जो काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है। यहाँ पर हमको देखने को मिला कटक का दही वड़ा जो कि काफ़ी फेमस है। कटक का स्वाद आप इस रायगढ़ शहर से उठा सकते हैं, तो चलो हम भी थोड़ा क्यों ना टेस्ट कर ले।
फ्रेंड्स, कटक में भी मैं दही बड़ा खाया हूँ और कटक का दही बड़ा का मज़ा आप रायगढ़ में भी ले सकते हैं, वही सेम रेट 30 रुपीज पर प्लेट। दही बड़ा खाने के बाद हम चले माँ मझिघारियाणी की मंदिर की ओर, बीच में जगन्नाथ मंदिर और आगे माँ मझिघारियाणी के मंदिर। ये है रायगढ़ का रेलवे ओवरब्रिज जो कि माँ मझिघारियाणी के मंदिर के नज़दीक है और देखने के लायक है। इस रोड सीधा आंध्र प्रदेश की विजयनगरम और विशाखापट्टनम की ओर गया है। माँ मझिघारियाणी को दर्शन करने के बाद हम चले रायगढ़ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर हैंगिंग ब्रिज पर, जो कि नागावली नदी के ऊपर है और मारीगुड़ा और चकागुड़ा से रायगुड़ा को कनेक्ट करता है। तो ये था फ्रेंड्स ओडिशा का एक सुंदर सा शहर रायगढ़। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ओडिशा का अनस्पॉट लोकेशन का वीडियो इस चैनल में लाता रहता हूँ। थैंक यू, नमस्कार, जय जगन्नाथ।